खाना बन के पैक होके डिलीवरी के लिए तैयार है, पर आप ये डिलीवरी करेंगे कैसे? इस वीडियो में हम खाने की डिलीवरी से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में बात करेंगे। एक बार आप ऑर्डर्स ले लें तो डिलीवरीज को प्लान करना बहुत जरूरी है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन कौन सी डिलीवरी सर्विसेज उपलब्ध हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं अगर ऐसी कोई डिलीवरी कंपनीज हैं जो प्रति किलोमीटर या डिस्टेंस के हिसाब से डिलीवरी फीस चार्ज करती हैं। और अगर बायर्स पास ही रहते हैं तो आप खुद से या अपने किसी फैमिली मेंबर की मदद से उन तक खाना पहुंचा सकते हैं। इससे ना ही सिर्फ एक पर्सनल टच बना रहता है बल्कि आपको अपने बायर्स को जानने में और बेहतर मदद होगी। ज्यादातर बायर्स प्रेफर करते हैं कि खाना उनके घर तक पहुंचाया जाए, पर अगर वो नजदीक ही रहते हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं अगर वो आपके घर से आके खाना पिकअप करें। ये जरूर तय कर लें कि आपको कितनी दूर से ऑर्डर्स लेने हैं। आप किस प्रकार का खाना बेचते हैं ये उस पर भी निर्भर करेगा। अगर आप घर का खाना बेचते हैं जो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है तो मैक्सिमम 3 या 5 किलोमीटर का आप डिलीवरी रेडियस रख सकते हैं ताकि बायर तक खाना पहुंचने तक वो गर्म ही रहे। अगर आप नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट्स जैसी कुछ पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आप और ज्यादा डिलीवरी का डिस्टेंस भी रख सकते हैं। अगर आप एक नया फूड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप पहले छोटे डिस्टेंस से शुरू कर सकते हैं डिलीवरीज, और धीरे धीरे टाइम के साथ आप अपना डिलीवरी का रेडियस बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे डिशेस बनाते हैं जो कि बल्क में यानी कि अधिक मात्रा में बन सकती हैं, जैसे मसाले, नमकीन, अचार या चॉकलेट्स, तो आप हर एक एरिया के लिए अलग अलग ऑर्डर्स ले सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ऑर्डर्स को बेहतर मैनेज कर पाएंगे और उस एरिया के लिए डिलीवरीज एक ही दिन में शेड्यूल भी कर पाएंगे। डिलीवरीज करने का ये एक किफायती तरीका भी साबित होगा। ध्यान रखें कि खाना डिलीवरी टाइम से 20 या 30 मिनट पहले रेडी हो ताकि उसकी डिलीवरी में कोई देरी ना हो। अगर आप किसी और की मदद से डिलीवरी करेंगे तो ध्यान रखें कि खाना अच्छे से पैक्ड हो। खराब पैकेजिंग की वजह से खाना गिर भी सकता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का इम्प्रेशन खराब हो सकता है। पैकेजिंग पे और जानकारी के लिए आप हमारी फूड पैकेजिंग से जुड़ी वीडियो देख सकते हैं। अपने डिश के दाम में डिलीवरी के चार्जेस जोड़ना ना भूलें। आप हमारी मेन्यू प्राइसिंग की वीडियो देख सकते हैं ये जानने के लिए कि आप अपने डिश का प्राइस कैसे सेट कर सकते हैं। शेफ बडी ऐप पे आप ऑर्डर सेव करते टाइम डिलीवरी के चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपको मालूम रहेगा कि एक हफ्ते या एक महीने में आपने कितने डिलीवरी चार्जेस लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।